हेलो गाइस, कैसे हो सारे सारे? आशा करता हूँ कि बढ़िया होगी। मेरा नाम है प्रिंस और आपका स्वागत है फूड किचन्स हिंदी में, आपके अपने चैनल में। तो आज की इस वीडियो में बनाने वाला हूँ मैं हनी चिली पटेटोज। वैसे तो आपने चिली पटेटोज खाए होंगे और क्या पता हनी चिली पटेटोज भी खाए हों, लेकिन ये थोड़ी चिली पटेटोज अलग हैं। थोड़ा सा इन्हें मैंने देसी टच दिया है और बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट आया है, तो एक बार इनको ज़रूर ट्राई करना। तो वैसे भी ये हनी चिली पटेटोज है तो इनमें हनी का एक बेहतरीन सा फ्लेवर तो आया ही होगा ना, बहुत ही बढ़िया लगता है वो फ्लेवर। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए बंदे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर दो, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि एक आपको गुड न्यूज़ बतानी है। तो एंड में मैं आपको गुड न्यूज़ बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है? ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं दो आलू, तो यहाँ पर मैंने दो लिए हैं, आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी ले सकते हो। तो इन आलू को देखिए आप, ये जो आलू हैं ये गोल नहीं है, ये ना थोड़े से लंबे वाले आलू लिए हैं, क्योंकि जो स्लाइसेस होती हैं आलू की वो लंबी होती हैं, इसलिए लंबे आलू इसमें बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और ये वही आलू है जो कि हम घर में रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो उसके बाद मैंने इसे पील कर लिया और अब इसे काटते हैं। तो काटने की मैं आपको एक बढ़िया ट्रिक बता दे रहा हूँ। आपको क्या करना है कि ये देखिए, ये अच्छे से बोर्ड पर स्टेबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं इसे नीचे से कट लगा रहा हूँ ताकि ये अच्छे से पहले बोर्ड पे स्टेबल हो जाए। ये देखिए अब ना बिल्कुल ही हिल नहीं रहा है और ना इधर उधर डुल रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसके स्लाइसेस बना देंगे इस तरह से। तो मीडियम से ही स्लाइसेस बनाना, ना ज़्यादा पतले और ना ज़्यादा मोटे, वरना क्या पता चला कि तलते वक्त हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से तले ही नहीं। तो इस तरह से स्लाइसेस बना देना है आलू के। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल मीडियम साइज़ की ही एक स्लाइस बनाई है, और इसके ना अब हमें पटेटोज काट लिए हैं, जैसे कि पटेटोज यूज़ करे जाते हैं चिली पटेटो में, सेम वही। तो इस तरह से सारे जो आलू हैं उन्हें काट लेना है अपन को। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू को काट लिया है, ये देखिए आप, और बिल्कुल ना मीडियम साइज में ही काटा है, ज़्यादा पतला या मोटा मत करना। इसके अलावा हमको जो सब्जी चाहिए वो है एक शिमला मिर्च, तीन मिर्चें ली है मैंने यहाँ पर, और एक प्याज लिया है, और हाँ एक इंच अदरक भी लिया मैंने। अगर लहसुन हो आपके पास तो लहसुन भी ज़रूर ले लेना। उसके बाद क्या करना है, जो हमारी मिर्चें हैं उन्हें रफली चॉप कर लेना है इस तरह से, मतलब छोटा छोटा चॉप करना, रफली करना लेकिन छोटा छोटा चॉप करना। सेम हमको जो अदरक है अदरक को भी इस तरह से बिल्कुल छोटा छोटा फाइन चॉप कर लेना, और अगर आपके पास लहसुन हो तो लहसुन को भी इस तरह से फाइन चॉप कर लेना है। और जो हमारी प्याज है, प्याज को हमें पेटल्स में काटना है, यानी कि चौकोर चौकोर प्याज में काटना है। तो ये देखिए मैंने एक प्याज को हाफ किया और हाफ का भी हाफ किया, उसके बाद इसके थोड़े से मोटे मोटे से टुकड़े कर दिए, उसके बाद ये देखिए जो पेटल्स हैं वो निकल के आ गए हैं, इन्हें पेटल्स बोलते हैं। तो इस तरह से पेटल्स बना लिए मैंने यहाँ पर, और सेम मैंने शिमला मिर्च को भी पेटल्स में काटा है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं, और आलू बिल्कुल मतलब सूख चुके हैं इस टाइम पे, तो इसके अंदर डाल देंगे हम 2.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसकी जगह अरारोट का यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट क्वालिटी देगा वो कॉर्नफ्लावर ही देगा। तो 2.5 चम्मच मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर डाला, और उसके बाद 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डाला है, अगर आपके पास ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, जो कॉर्नफ्लावर है वो अच्छे से ना कोटिंग आ जानी चाहिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच पानी डाला है, यहाँ पर मुझे थोड़ी सी पानी की कमी लगी थी इसलिए मैं पानी डाल रहा हूँ, अगर आपको कुछ ज़्यादा लगे तो आप 2 चम्मच डाल लें। और उसके बाद ये देखिए कॉर्नफ्लावर की कोटिंग बिल्कुल अच्छे से आलू के ऊपर आ चुकी है। तो बस यही हमें आलू करने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन में तेल को गर्म करने के लिए छोड़ दिया था, और तेल जो है वो गर्म हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, एक एक करके अपने सारे जो ये पटेटो स्टिक्स हैं इन्हें तेल में फ्राई होने के लिए डाल देंगे। तो एक एक कर कर आराम से डालना, एक के ऊपर एक मत डालना वरना ये चिपक जाएंगे, एक एक करके आराम से डालना।
ताकि आपके हाथ भी न जलें और जो पोटैटो स्टिक्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर भी न गिरें। तो इनको तलने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन जो टेस्ट आएगा वो बहुत ही लाजवाब आएगा। थोड़ी देर बाद ये देखिए आप, जो हमारे पोटैटो स्टिक्स हैं या फ्रेंच फ्राइज हैं वो हल्का सा हैश ब्राउन की तरह फ्राई हो चुके हैं। तो अभी थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, मतलब गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन से कुछ हल्का ही कलर चाहिए, आप ज़्यादा गोल्डन ब्राउन भी नहीं करना है। तो उसके बाद ये देखिए, करीब 6 से 7 मिनट बाद ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन कलर इन पर आ चुका है। तो इन्हें ना अब तेल से हम निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद जो हमारे फ्रेंच फ्राइज है वो ठंडा हो चुके हैं, और इसके बाद मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर 1/2 चम्मच चाट मसाला और थोड़ा सा नमक। इससे क्या होगा, जो हमारे फ्रेंच फ्राइज हैं उनका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस होगा। अगर आपको ये स्टेप नहीं करना तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, लेकिन इससे टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। तो दोनों मैंने यहाँ पर मसाले डाल दिए हैं, और उसके बाद इन्हें अच्छे से टॉस करते हुए मसालों को मिक्स कर लेंगे, ताकि ये भी अच्छे से हर एक फ्रेंच फ्राई के ऊपर चिपक जाए। उसके बाद मैंने फ्रेंच फ्राइज अलग रख दिए हैं, और जो मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन लिया है और फ्राई पैन में तेल डाला है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर अदरक डाल दिया है, और अदरक के साथ ही मैंने यहाँ पर जो हमने मिर्चें काटी थी वो भी डाल दिए। तो जितने भी ये चाइनीज कुजींस होते हैं ये सब मीडियम टू हाई फ्लेम पर बनाया जाता है, और ज़्यादा से तो ये हाई फ्लेम पर ही बनाए जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मीडियम टू हाई फ्लेम रखा है, और जैसे ही हमारे जो मिर्च और अदरक हैं वो हल्का सा भुन जाएंगे, उसके बाद डाल देंगे हम शिमला मिर्च और प्याज। शिमला मिर्च और प्याज को डालने के बाद इन्हें ना अच्छे से बिल्कुल टॉस करते हुए ट्रांसलूसेंट होने तक इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना। यहाँ पर फ्लेम अभी तक मैंने मीडियम टू हाई रख रखा, इन्हें उछालते हुए टॉस करते हुए अच्छे से फ्राई कर लिया है मैंने। उसके बाद बारी आती है इसमें कुछ सॉसेस डालने की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाली है 2 चम्मच चिली सॉस। अगर आपके पास ना हो तो आप घर पे भी बना के यूज़ कर सकते हो, या फिर आप सीजवान सॉस का भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा तीखी नहीं चाहिए तो आप 1 ही चम्मच डाल लेना। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर डाला है 1 चम्मच सोया सॉस, और यहाँ पर वाइट विनेगर की जगह मैंने यहाँ पर अजीनोमोटो डाला है। यहाँ पर मैंने 1/4 छोटा चम्मच अजीनोमोटो डाला है, इससे टेस्ट और ज़्यादा डिफरेंट होता है और नेक्स्ट लेवल पे जाता है। तो इन चीज़ों को डालने के बाद इन्हें थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, और जो सॉस बनेगी उसे अच्छे से बनने देंगे। जैसी जो विनेगर की खुशबू वो नाक में चढ़ने लगेगी, आप देख लेना चढ़ जाएगी वो, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद डालनी है हमें स्लरी। बेसिकली मैंने कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाई है, मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है और उसमें 1 चम्मच ही मैंने पानी डाला है, उसकी स्लरी बना ली है और उसे इसमें डाल दिया है। स्लरी डालने के तुरंत बाद ही आपको इसे अच्छे से चलाना है, क्योंकि स्लरी बहुत जल्दी ही पानी को एवोपोरेट कर देती है और जो टाइट टाइट हो जाती है। ये देखिए आप, टाइट हो चुकी है। इसके बाद मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर अपनी टमाटो केचप यहाँ पर मैं थोड़ी देर बाद डालूँ। तो यहाँ पर करीब 4 से 5 चम्मच मैंने टमाटो केचप डाली है। आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए, आपको कितना मीठा चाहिए कितना तीखा चाहिए वो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने टमाटो केचप डाल दिया, अब थोड़ी देर तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं हमने फ्रेंच फ्राइज, और ये अभी तक भी क्रिस्पी हैं। हाँ जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, ये अभी तक भी क्रिस्पी हैं। और उसके बाद इन्हें अच्छे से मिलाते हुए फ्राई कर लेना है, और इस वक्त आप जो गैस का फ्लेम है उसे कर लेना बिल्कुल हाई फ्लेम पर अच्छे से पकाना इन्हें, ताकि जो सॉस है जो ग्रेवी है वो अच्छे से हर एक फ्रेंच फ्राइज के ऊपर आराम से चिपके, उससे ही टेस्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। उसके बाद डाला मैंने इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट हनी।
क्योंकि ये हनी चिली पोटैटोज है तो मैंने यहाँ पर हनी डाला है। तो मैंने यहाँ पर एक चम्मच हनी डाला है। अगर आपको हनी कुछ ज़्यादा ही पसंद हो तो आप 2 चम्मच 3 चम्मच अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना। तो 1 चम्मच हनी डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे और बस जो आपके फ्रेंच फ्राइज सॉरी चिली पोटैटोज हैं वो बनकर तैयार है। तो कैसी लगी है हनी चिली पोटैटोज की रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, एक कमेंट जरूर कर देना और शेयर तो अपने दोस्तों के करना ही करना। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है। और गुड न्यूज़ ये है कि हम 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, तो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पे ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी आती रहती है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और ऑल पर ज़रूर क्लिक कर देना, ठीक है? और 1000 सब्सक्राइबर होने पे एक मज़ेदार सी वीडियो आएगी, तो यार जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, बहुत ही ज़्यादा करीब है हम, ठीक है? जल्दी से करवा दो और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।